तो इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बाहुबली 2 को रिलीज होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फिल्म के सितारे फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाहुबली 2 को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इंडिया में साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी फिल्म की रिलीज की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि फिल्म ने हॉलीवुड में भी गदर मचाने की तैयारी कर ली है और रिलीज होने से पहले ही एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो भाई अब बाहुबली के नाम कौन सा है ये नया रिकॉर्ड, लेट्स चेक इट आउट इन दिस रिपोर्ट। बाहुबली 2 का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। 28 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इसे साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बताया जा रहा है। इस फिल्म को दर्शकों से बहुत उम्मीदें हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों की दिलचस्पी फिल्म में और ज्यादा बढ़ गई है। इसे देखते हुए निर्माता निर्देशकों की टेंशन भी बढ़ गई है। फिल्म को भारत के साथ ही विदेशों में भी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करने की तैयारियां चल रही हैं, जिसका खुलासा डायरेक्टर SS राजा मौली पहले ही कर चुके हैं। वी नीड टू रिलीज अ फिल्म इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ थिएटर्स टू गेट द मैक्सिमम व्यूअरशिप एंड विद अ फिल्म लाइक बाहुबली वेयर द पीपल आर एंटिसिपेटिंग सो मच अबाउट द मूवी दैट द ट्रेलर क्रॉस्ड 100 मिलियन व्यूज फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया ऑन पार विद हॉलीवुड फिल्म्स। देयर इज सो मच ऑफ एंटिसिपेशन ऑन द फिल्म। It makes sense to release the film in more number of theaters. That's what the audience want. That's what we want. जैसा कि राजा मौली ने खुलासा किया है कि फिल्म को हॉलीवुड में भी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच खबर आई है कि हॉलीवुड में गदर मचाने के लिए बाहुबली 2 ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो उसकी माने तो फिल्म को अमेरिका और कनाडा में बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका में फिल्म के तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन को 1050 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। ये किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड है। वहीं अमेरिका में फिल्म के तीनों वर्जन 900 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होंगे, जबकि कनाडा में बाहुबली 2 को 150 स्क्रीन पर उतारने की तैयारियां हैं। सोर्सेस की माने तो उत्तरी अमेरिका में फिल्म को रिलीज करने वाली कंपनी ग्रेट इंडिया फिल्म्स ने एक स्टेटमेंट में कहा है, बाहुबली 2 के तेलुगु वर्जन को अकेले अमेरिका में 300 जगहों पर 400 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया जा सकता है। तमिल वर्जन में 180 जगहों पर 200 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया जा सकता है। वहीं हिंदी वर्जन को 250 जगहों पर 300 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। कनाडा में 80 विभिन्न जगहों पर फिल्म के तीनों वर्जन को 150 से अधिक स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। साथ ही इन मार्केट में ओरिजिनल IMAX फॉर्मेट में रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म होगी। भारत में ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे देश में बाहुबली 2 लगभग 6500 स्क्रीन पर रिलीज की जा रही है। उत्तर भारत में फिल्म को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन रिलीज कर रही है। अब देखना ये होगा कि करीब 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।